क्या आपके पास ऑर्गेनाइजर है? आपके पास ऑर्गेनाइजर है कि नहीं, आज मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल। हाँ हाँ, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पास ऑर्गेनाइजर है कि नहीं है? अच्छा, क्या होता है ऑर्गेनाइजर पता ही नहीं है। चलिए आज बात करते हैं इसी पर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। बहुत से लोग अपने जीवन में टालम टोल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लटर 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 हो गया। आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी लाइफ को मैं डिक्लटर करने वाला है। बहुत सारे नॉन वेलेबल चीजें आपके पास रखी हुई है जो जरूरत नहीं है, कभी तो भी आपने कहीं से ला के रख दी है। पुराने बिल आपके पास पड़े हुए, पुरानी बातें आपके पास पड़ी होगी, पुराने फोन के बिल पड़े हुए, पुराने बॉक्सेस पड़े हुए, आज सबको निकाल देते हैं और आज हम ऑर्गेनाइजर करते हैं, आज ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। चलो आज ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। सबसे पहले आपको अपना विजन बनाना पड़ेगा। आपके ऑर्गेनाइजर को अलग अलग फोल्डर दीजिएगा, ए बी सी डी एफ जी ऐसे फोल्डर बनाइएगा। ए फोल्डर जो रहेगा आपका विजन, आपकी जिंदगी का विजन क्या है, आप हेल्थ कैसा चाहते हैं, आपके 5 आयाम लिखना है आपको। आध्यात्मिक रूप से आप कैसा बनना चाहते हो, आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, फिजिकली कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से कैसे होना चाहिए, आर्थिक रूप से आप कैसे होना चाहिए, सामाजिक रूप में आपकी प्रतिष्ठा क्या होनी चाहिए। सबका है, सब पता है, हमारा अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन कैसे अच्छा होना चाहिए उसको अपने ऑर्गेनाइजर में लिख दीजिए। अपने ऑर्गेनाइजर में एक बढ़िया सा डायरी बनाइए और लिख दीजिएगा कि आप क्या चाहते हो, आपका विजन क्या है। आपको पता है इतने सारे लोगों में, इतने सारे जीवन में लोग जीते हैं, केवल 60% लोगों के पास विजन होता है। 60% में से भी केवल 60% लोग ही उसको लिखते हैं, 60% में से भी 60% लोग ही उसको पढ़ते हैं, 60% जो बचता है उसका जो 60% है उसको वो जोर से पढ़ते हैं, उसको फील करते हैं, और उसका भी 60% जो है उसमें से केवल 60% लोग ही उसको फील करते हैं। फील करने के बाद उसको विजुलाइज करते हैं, और उसमें भी से भी 60% उसको सिर्फ और सिर्फ रोज करते हैं, तब जाके वो। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि सभी लोगों को पता है तो सक्सेस क्यों नहीं होता, क्योंकि नहीं करते हैं सब लोग। आपको अपने विजन को, अपने मिशन को, अपने वैल्यूज को लिखना है, आपके सपनों को लिखना है। अपने ऑर्गेनाइजर का जो पहला फोल्डर है, आपको अपने मिशन के बारे में, आप क्या चाहते हो जिंदगी से, वो लिखिए। दूसरा जो होता है, आपको रोज 5 काम क्या करना है, अपने विजन को लेकर रोज 5 काम क्या करना है, आपको 5 काम बनाना है, आपको बताना है वो 5 काम कि आज मुझे ये काम करना है। उसके बाद आता है आपको कौन से काम डेडिकेट करने हैं, दूसरों को देने हैं, उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद जो आता है, कुछ क्रिएटिव बातें आपके पास आती है, क्रिएटिव बातें, जैसे मुझे किताब लिखने के लिए, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरे किताब पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे मैंने अपना वो फोल्डर मैंने किताब लिखने के लिए बनाया हुआ है। फिर कुछ ऐसा आता है कि आपको पर्सनल लेवल पर जो आपके घर के लिए आप करना चाहते हो, बच्चों के लिए, विकास के लिए कुछ करना चाहते हो, घर को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हो, वो आप लिखिए। फिर उसके बाद आता है एक जेड फोल्डर आता है, ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया हुआ है। जेड फोल्डर जो आता है वो, उसमें कुछ भी बातें आपके दिमाग में आती है उसको लिख डालिए, कुछ भी बातें आती है उसको लिख डालिए, खत्म कर दीजिए वहां पर। और एक पेज होता है निगेटिविटी का, आपको निगेटिविटी लिखनी है, आपके अंदर जो भी निगेटिव उसको लिख दीजिएगा, और बाद में उस कागज को जला के फेंक दीजिएगा जो निगेटिव वाली है, और जो अच्छी बातें उसको रखिए डायरी में, और उसको रोज रोज उसको पढ़ते रहिएगा। ये बातें आप करेंगे तो आपके लाइफ में देखिए, सबसे पहले काम है आपके यहाँ के मगज को डिक्लटर करना, यहाँ पे सब क्लटर जो है ना उसको निकाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल पे आइएगा, उसके बाद टेबल पे आइएगा, उसके बाद अपने जिस कैबिन में आप बैठते हो उस कैबिन में जाइएगा, उसके बाद फिर आपके घर पे जाइएगा, उसके बाद समाज में जाइएगा, उसके बाद राष्ट्र में जाइएगा। लेकिन शुरुआत आपको यहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ, और जाते जाते बस इतना ही बोलूँगा कि आप कर सकते हैं।